तो दोस्तों गुड मॉर्निंग इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुबह के 4:40 बजे 4:40 की सुबह है आज। आज मेरे चेतक के साथ लास्ट डे है। मैं चेतक को बहुत मिस करूंगा। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गया है चेतक, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी ना मेरे को भा गई। बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है इस गाड़ी की और दाद देनी पड़ेगी बजाज की। इतना बढ़िया स्कूटर जो है वो उन्होंने लॉन्च किया है। हाँ, मैं बोलूंगा कि ये प्रीमियम है, जरूर से है प्रीमियम, बट पैसा वसूल है। बट हाँ, थोड़े चीजें हैं जो इम्प्रूव किया जा सकता है फ्यूचर इटरेशंस में, जैसे कि इसका जो ओवरऑल रेंज है, तो रेंज को थोड़ा अगर इम्प्रूव कर दिया जाए ना तो वो काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा। और एक मोड अगर ऐड हो जाए, अभी दो मोड है, एक इको है और एक स्पोर्ट मोड है, अगर कोई बीच वाला मोड आ जाए जैसे सिटी मोड या ऐसा कुछ जो कि इको और स्पोर्ट दोनों को बैलेंस कर पाए, तो उसमें शायद आपको बैटरी लाइफ जो है वो स्पोर्ट मोड से थोड़ी बेहतर मिल जाए। तो वैसे वाले चीजें जो है वो इंक्लूड कर सकती है बजाज इसमें। आज दोपहर को इसे चार्ज देके फिर से वापस रख के आना है बजाज के शोरूम में, उसकी भी एक अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी मुझे। अब मैंने इसे बापरे दूर ले जाने के लिए सोचा तो था, पर प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो रेंज है वो है तो 90, बट आप इको मोड पे चलाओगे तभी ये 90 या 85 अबव आपको रेंज दे पाएगी। बट अगर मैं इसे टेस्ट करूँ दूसरे जगह पे जाके जहाँ पे एम्प्टी रोड्स है, वहाँ पे अगर हाई स्पीड स्टेबिलिटी या ऐसे वैसे टेस्ट करूँ, तो इसका जो चार्ज है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, इसीलिए नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, बट मैं अपना ओपिनियन जरूर से शेयर करूंगा आप सभी लोगों के साथ इसके बारे में। मुझे पर्सनली गाड़ी बहुत पसंद आई है। हाँ, ये चीज जरूर से मेंशन करना चाहूंगा मैं बजाज के इंजीनियर्स को कि सस्पेंशन जो है वो प्लीज इंप्रूव करें। सस्पेंशन जो है वो बहुत स्टिफ है। और हाँ, मैं आपको ये बता देता हूँ, पहले कमाल का लग रहा है, क्रेजी लाइटिंग और दूर से तो और भी बेहतर लग रहा है। सही है। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, इसका जो सस्पेंशन है सामने का और पीछे का, ये बहुत स्टिफ है, बहुत मतलब अच्छा खासा स्टिफ है। तो ऐसे छोटे छोटे पैचेस रहते हैं ना, ये भी आपको ना बराबर फील हो जाएंगे। और जो व्हाइट पैचेस ऐसे रहते हैं ना उस पर, तो ये पूरा ऐसा काम देता है मेरे को, मेरे हाथ ऐसे हिल जाता है, पूरा वाइब्रेशन मोड पे चला जाता है। तो वो एक चीज है, इस पे काम किया जा सकता है। अगर काम कर ले तो ये बहुत ही बेहतर हो जाएगा, ओवरऑल राइड क्वालिटी जो है वो इसकी इम्प्रूव हो जाएगी बेटर सस्पेंशन की वजह से। स्ट्रेट ऐसे नॉर्मल रोड पे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, बहुत ही बढ़िया आराम से ये जाने वाली है। बट आपको मेन प्रॉब्लम होने वाली है उबड़ खाबड़ रोडों पे, अगर आप चेतक को लेके जाओगे ना तो आपको थोड़ी तकलीफ तो होगी ड्यू टू सस्पेंशन। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह सब कुछ ठीक है, मिरर्स वगैरह भी बहुत बढ़िया है, आपको आराम से शो कर देती है कि पीछे से कौन आ रहा है। बट हाँ, इसका मेन मुझे लगा कि सस्पेंशन है, अगर वो इम्प्रूव हो जाए ना तो चेतक एक ऑलराउंड पैकेज हो जाएगा। और एक चीज, इसका बैटरी लाइफ, अगर बैटरी लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी तो अगेन ये एक बेटर पैकेज हो जाएगा, क्योंकि बैटरी लाइफ जो है वो इसकी नॉर्मल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बोलूंगा मैं, नॉर्मल इसीलिए बोलूंगा क्योंकि ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर। अगर आप थोड़े एग्रेसिव टाइप के राइडर हो, स्पोर्ट मोड थोड़ा ज्यादा यूज कर लोगे आप, तो आपको उतना ज्यादा रेंज नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप मोस्टली इको मोड पर चलाओगे विच इज लाइक बिलो 48 समथिंग, तो आपको रेंज ही अच्छा खासा दे देगा। वो एक ही मुझे कैविया लगा, और चार्जिंग स्पीड भी ना ठीक ठाक ही है। ओहो, ये लोग रोड बंद कर दे रहा, अभी चेकिंग वगैरह करेंगे शायद। ओहो, पूरा बंद कर दिया यार, तो वो लोग जाएंगे कहाँ पे, चेकिंग ही कर रहे हैं शायद। कोई बात नहीं, रिपब्लिक डे आ रहा है। और हाँ, इसका जो LED लाइट है आप देख सक रहे हो, ये काफी अच्छा खासा थ्रो फेंकता है सामने, जैसे कि आप देख ही सक रहे हो। बट इसका जो मेन लाइट है उसे ऑन करना पड़ता है, ये देखो, ये ऑन नहीं होता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलवेज ऑन जो LED डे टाइम रनिंग लैंप्स है वो काफी अच्छा स्प्रेड दे देती है यहाँ तक की। बट टेक्निकली ये इसका हेडलैम्प है, अभी ये लो बीम पे है, हाई बीम पे ये गया, हाई बीम ये है लो बीम। ये वाले जो पैचेस है ना इसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सामने का जो पार्ट है ये पूरा हिल जाता है, और अगर आपने मेरी तरह ऐसे कड़ा वड़ा पहना है तो ये जो कड़ा है ना ये आपके हड्डियों के साथ ऐसे खेल लेगा, लिटरली आपको दर्द होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये सब कुछ मैंने नोटिस किया है इसको एक हफ्ते में। कम्फर्ट तो बहुत बढ़िया है, इसकी सीट कम्फर्ट की बात बोल रहा हूँ, ओवरऑल वो क्या बोलते हैं सस्पेंशन की बात नहीं। बाकी आज का दिन ठीक ठाक गया है, जैसे नॉर्मल जाता है वैसे ही गया है, कुछ खास उतना हुआ नहीं है। ये देखो भाई साहब उल्टे जा रहे हैं, क्या करें, इंडिया में यही होता है। तब बापरे, वैसे टाइप के खड्डों में ना थोड़ा बच के रहो अगर आप चेतक ले रहे हो, और कुछ नहीं, बाकी सब बढ़िया है। आप बताओ कैसा चल रहा है आपका लाइफ कमेंट्स में, मैं कमेंट जरूर से पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करूंगा अगर आप कमेंट्स लिखते हो अच्छे। आज ठंड काफी ज्यादा पड़ रहा है, मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रही है, इवन दो मैंने राइनॉक्स का जैकेट पहना है, बट स्टिल ठंड
ठंडी तो काफी अच्छी खासी लग रही है मुझे। हवा ना कहीं से भी घुस जाती है, एक छोटा सा छेद भी मिल जाए ना अंदर एकदम ठंडा कर देता है पूरा। अब घर जाके अगर हाथ पैर धोना है तो वो अलग टेंशन, क्योंकि बर्फ का पानी निकलता है टैप से। लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है ये कभी कभी सोचता हूँ मैं, बट ये भी दिमाग में आता है कि कॉम्प्लिकेटेड है इसीलिए तो मजा आता है, बहुत ज्यादा सिंपल रहता तो ज्यादा मजा नहीं आता था। चलो गाड़ी को थोड़ा पुश करते हैं। इसका रीजन भी काफी इंट्रूसिव है, द मोमेंट यू डू लाइक दिस इमीडिएटली इसका रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो रीजन भी ठीक ठाक ही काम कर लेता है इसका, बट उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं जितना आपको चाहिए। ठीक है, आज चेतक का लास्ट डे है। हर बार की तरह जब भी कोई बाइक आती है मेरे पास एक हफ्ते के आसपास, मुझे ना उससे प्यार हो जाता है, बिल्कुल देने का मन नहीं करता है। अभी चेतक के साथ भी मेरा वैसे ही कुछ फीलिंग है, देने का मन नहीं कर रहा है वापस। काश इसे मैं और एक हफ्ते के आसपास रख पाता तो बढ़िया हो जाता। घर के काफी नजदीक पहुंच चुका हूँ, थोड़े ही देर में घर, बट एक चीज तो है ऑफिस से थोड़ा लेट ही निकल रहा हूँ, घर जाके मार पड़ेगी अभी। सुबह सुबह ना ये टाइम पे जो रोड पे ब्रेकफास्ट मिलता है ना, इडली डोसा मसाला डोसा, ये बहुत ही बढ़िया लगता है टेस्ट, खासकर ठंडी के मौसम में। ये जो बंडी रहती है ना, वो बंडी में जाके थोड़ी देर ठहर के वहाँ पे गरम गरम डोसा बनते हुए देख के उसको खा के फिर घर जाने का मजा ही कुछ और है। आप में से कितने लोग ऐसे करते हो, सुबह सुबह जब निकलते हो ना तब ऐसे मस्त बाहर खा ले के घर में घुसो और सीधा सो जाओ, कमेंट्स में जरूर से बताना। ओहो हो हो, स्टंट राइडर्स है अपने बीच में। ओहो, तीनों के तीनों नई गाड़ी है, सही है। ठंडी ना सर्दी ना बिल्कुल नहीं जा रही है मेरी, गला अभी भी बैठा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं, और नाक तो पूरा एक साइड पूरा जाम ही हो चुका है मेरा। ये वाले खड्डे जो है वो कभी ठीक नहीं करती गवर्नमेंट। ब्रिज होता ही है स्मूथ रोड के लिए, बट बीच बीच में जो ऐसे खड्डे पड़ते हैं ना वो ओवरऑल एक्सपीरियंस को पूरा खराब कर देता है। और हाँ, सस्पेंशन भी खराब हो जाता है गाड़ी का वैसे टाइप के रोड्स की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे वजन और अगेन राइडिंग स्टाइल के वजह से। मेरे पास जितने भी गाड़ी आई है उसमें एक ही गाड़ी में मैं काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करा इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग बैड रोड इज हिमालयन। बाय फार अगेन वो एडवेंचर बाइक है, तो ऑफकोर्स खराब रोड वो हैंडल करने के लिए ही उसे बनाया गया है, बट बाय फार हिमालयन सीरियसली बहुत बढ़िया हैंडल कर लेते हैं, ऐसे छोटे मोटे खड्डे तो कुछ है ही नहीं उसके पास। और जो मीटियोर है, मीटियोर का तो रियर सस्पेंशन मतलब ऐसा पूरा लोहे का रॉड है, वो सस्पेंशन मानता ही नहीं हूं मैं। इवन दो उसका सीट काफी कंफर्टेबल है, बट सस्पेंशन के वजह से ना पूरा इम्पैक्ट आपके बॉडी को झेलना पड़ता है, जैसे कि इसके साथ हो रहा है। इसका तो फ्रंट और रियर दोनों ही टाइट है, और मेरे पास R15 है, उसका तो बोलो ही मत, उसका भी ऐसा ही कुछ सीन है। इतना स्टिफ सस्पेंशन है कि छोटा सा छोटा बम भी मतलब ऐसे फील कराता है वो, कि ये लो और लो और लो। उसके चाहिए स्मूथ रोड, और ट्रैफिक तो बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे गाड़ी को, क्लच पकड़ते पकड़ते उंगलियां दर्द दे जाएंगे ऐसी हालत है। और रॉयल इनफील्ड की गाड़ियों में भी मैंने ये नोटिस किया कि क्लच काफी ज्यादा हैवी होता है, स्पेसिफिकली जब ट्रैफिक में चलाते हैं ना तो कभी कभार क्लच पकड़ के रहना पड़ता है, और वो टाइम पे बहुत तंग करता है क्योंकि उंगलियां दर्द देना स्टार्ट हो जाते हैं। और ऊपर से अभी जो नए क्लच आए हैं, नए लीवर्स आए हैं रॉयल इनफील्ड के बाइक्स पे, वो काफी ज्यादा वाइड है, ग्रिप जरूर से देते हैं बट उसके साथ साथ आपके उंगलियों पे स्ट्रेस भी ज्यादा पड़ता है, क्योंकि आपको पकड़ के रहना पड़ता है ना क्लच, तो वो एक चीज मैंने नोटिस की है। यहाँ तक कि इंटरसेप्टर में आपको स्लिपर क्लच मिलता है, बट स्टिल वो काफी भारी क्लच है। क्लच अगर लाइट होता है तो काफी ज्यादा इजी हो जाता है गाड़ी चलाना। R15 में तो स्लिपर क्लच है, बट अगेन वो अग्रेसिव पोजिशन की वजह से बहुत भारी पड़ जाता है। चेतक को चलाने के बाद ना मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट कर लूं, पता नहीं ऐसा अलग सा मजा आ रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट कर लूं तो बढ़िया रहेगा। बट मेरी उतनी रनिंग है ही नहीं कि मैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लूं और डेली रन करूं। अगर मेरी रनिंग तकरीबन 60-70 किलोमीटर के आसपास हो तब इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा कंपेयर टू पेट्रोल व्हीकल, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल मेरी सेविंग्स करवा देगी अच्छी खासी, और क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा रन कर रहा हूँ उसको लेके तो वहाँ पे सेविंग्स मेरी ज्यादा होगी। पेट्रोल तो है ही नहीं, बल्कि पेट्रोल का जो पूरा पैसा है वो बच जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी आपको शायद साल में 3-4 हजार रुपए भरने पड़ेंगे इसको, जहाँ पे पेट्रोल में तकरीबन 10-12 हजार या उससे भी ज्यादा भरने पड़ते हैं। मेरा एवरेज तो तकरीबन होता है 15 हजार के आसपास R15 पी लेती है पेट्रोल एक साल में। वही अगर मैं एक ईवी लूँ तो वही 15 के बदले वो लेगा 5 हजार के आसपास, तो वहाँ पे एक एडवांटेज आता है ईवी का। चलो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं यहीं पे बंद कर दूंगा वीडियो, काफी लंबा खिंच गया आज का वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे और भी ज्यादा वीडियोस में लाता रहूंगा। चलो अगले वीडियो में हम लोग जरूर से मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय।